अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये ड्रेस की कटिंग सिखाई थी और आज हम इस ड्रेस की स्टिचिंग देखेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, अस्तर का पार्ट नीचे है और उसके ऊपर मैंने जॉर्जेट का कपड़ा रखा है। अब हम इसे यहाँ से ऐसे रख के ऐसे यूँ सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे यहाँ पर इसे कट दे देंगे, फिर इसे उल्टा लेंगे। हमने इसे कट दे दिया है, अब हम इसे इस तरीके से उल्टाने के बाद आप इसकी यहाँ पर सिलाई लगा लें। ये हमारा हो गया आगे का गला। अब हम इसे यहाँ पर भी अस्तर के साथ इसे फिट कर लेंगे। आप ऐसे ही यहाँ पर भी सिलाई लगा लें। हमने सेम तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगा ली। ये हमारा अस्तर जॉइंट हो चुका है। अब हम लेंगे पीछे का भाग, हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। अस्तर वाले भाग के ऊपर हम जॉर्जेट का कपड़ा रख देंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर। आप भी इसी तरह से अब हम इसे पलटा लेंगे। ये हमने गला उल्टा लिया है, अभी हम यहाँ पर भी सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे जो हमने आगे के गले में किए। अब हम यहाँ पर भी आगे की तरह यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। आप इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगा लें। मैंने इसकी दोनों तरफ सिलाई लगा ली। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट को लेकर इसे ऐसे इक्वली फोल्ड कर देंगे। नाइनटी एंड हाफ पर निशान लगा देंगे, इसे गोल शेप में काट लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट रखेंगे सीधे पे सीधा और उसे यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। हमने इसे दोनों साइड से जोड़ लिया। अब हम इसे इसमें चेन लगाएंगे। Thank you.
हम इस तरीके से इसमें चैन लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे। हम ये स्लीव्स को सीधे के ऊपर सीधा रख के यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर ख़त्म, और ऐसा ही हम इस तरफ भी करेंगे। हमने हमारी स्लीव्स लगा ली है। अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल के लिए हमने दो पीस काट लिए हैं। हम इससे डबल लेंगे। अगर ये चार है तो हम इसका 8 लेंगे, और अगर ये 8 है तो हम इसका 16 लेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही ली है। अगर आपको जैसी फ्रिल चाहिए वैसी फ्रिल रख सकते हैं। ये हमारी स्लीव्स है। हम यहाँ पर इसकी चिपटी लेंगे, रखेंगे सीधे पे ऊंधा कपड़ा रखेंगे और यहाँ पर चिपटी लेते जाएंगे ताकि ये ऐसा हो। हमारी फ्रिल कुछ ऐसी दिखेगी। अब हम इसी के ऊपर दूसरी फ्रिल लगाएंगे यहाँ पर, और ऐसा सेम हम दूसरी तरफ भी करेंगे। ये कुछ ऐसी लगे। सेम प्रोसेस हम दूसरी स्लीव्स में भी कर लेंगे। अब हम ड्रेस को इस तरह से सीधा रखेंगे और इस लेस को ऐसे कर इस पर निशान लगा लेंगे ताकि आप जब इस लेस को कपड़े से अटैच करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने निशान लगा के रखा है तो हम इसी के ऊपर ये लेस को अटैच कर देंगे। इस तरह सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। इस लेस को इधर रख कर तरीके से हम इसे यहाँ पर लगा लें, और जो हमारी बची हुई लेस है हम उसे अपनी स्लीव्स पर लगाएंगे यहाँ पर। लाइक दिस दोनों तरफ। अब हम इस लेस को इधर रख कर थोड़ा सा मोड़ लेंगे और फिर हम इसको यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। हमने साइड फिटिंग नहीं की है इसलिए हम इसका आगे का पार्ट लेंगे, पीछे का नहीं। इस तरीके से और यहाँ पर लेस रखकर सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर इतनी सिलाई छोड़ देंगे ताकि जब हम यहाँ पर दूसरी लेस लगाएं तो वो लेस इसके अंदर बैठ जाए। इतनी सिलाई छोड़ के हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। अब हमने ये पूरी सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ पर जो सिलाई छोड़ी थी
उसे हम इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे। हमने इधर और दोनों स्लीव्स पर लेस लगा दिया इस तरीके से। अब हम करेंगे साइड फिटिंग। तो साइड फिटिंग के लिए हम इसे परफेक्टली रख लेंगे। अब हमारा चेस्ट का माप हमें तैयार चाहिए 12 और ये है 14। तो हम दोनों तरफ से एक एक इंच छोड़ के मार्क लगा देंगे। दूसरा मार्क यहाँ से ना ऊपर लगाएंगे। अब हमारा कमर का माप है 11 और ये हमें मिल रहा है 13। हम यहाँ पर भी एक एक इंच पर मार्क लगा लेंगे। हमें मिल जाएगा 11। अब हम इसे और इसे जॉइंट कर लेंगे। हमारी स्लीव्स है 3। तो हम यहाँ पर 3 पर मार्क लगा लेंगे। सेम प्रोसेस हम उस तरफ भी करें और इसे यहाँ से ऐसे लेके सिलाई लगा लें। हमारी साइड फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ से ऐसे मोड़ कर यहाँ की पट्टी बांध लेंगे पूरी, और पीछे भी हम यहाँ पर इसी पट्टी बांध लेंगे। हम इसे नहीं मोड़ेंगे क्योंकि इसके नीचे कोर लगी हुई है। हम इसे और इसे दोनों को साथ में ही मोड़ लेंगे।